डियर स्टूडेंट्स, हिंदी के कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम जॉर्ज पंचम की नाक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? इसका उत्तर होगा कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी, बदहवासी होता है घबराहट, है ना, दिखाई देती है, उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने इस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है, जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते थे कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है, अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? इसका उत्तर होगा कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन कौन सी वेशभूषा धारण करेगी। ठीक है, और उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उसकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो दर्जी की परेशानी कोई जरूरत से अधिक थी। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना चकाचौंध पैदा करना अनावश्यक है, परंतु यदि रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तो दर्जी बेचारा क्या करे? उसे तो रानी की शान और वातावरण के अनुकूल वेशभूषा तैयार करनी ही पड़ेगी। अब प्रश्न है, और देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट होने लगी, नई दिल्ली की कायापलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे? ठीक है, इसका उत्तर होगा कि नई दिल्ली की कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा, सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा, उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा, सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा।